अपने शोल्डर्स की चौड़ाई बढ़ाने के लिए घर बैठे ये वर्कआउट करें। पहली एक्सरसाइज, अगर डंबल नहीं है तो आप पानी की बॉटल भी ले सकते हैं। कलाई नीचे की तरफ रखते हुए डंबल को शोल्डर लेवल तक ऊपर लाना है। कोनी थोड़ी बेंड रखनी है, बाजू सीधी नहीं करनी। डंबल को ऊपर उठाने का प्रेशर बाइसेप्स पे डालना है, कलाई पर नहीं। शुरू में इसका एक सेट ही करें जिसमें 12 रेपिटेशंस हो, फिर अगले दिन से 2 या 3 सेट्स पर आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक एक करके डंबल उठाना है और इन्हें शोल्डर हाइट तक लाना है। इस एक्सरसाइज में भी कोनी थोड़ी बेंड रखें ताकि प्रेशर शोल्डर और बाइसेप्स एरिया में पड़े। एक सेट में दोनों हाथों के 12-12 रेपिटेशंस करने हैं। शुरू में एक सेट करें, दूसरे दिन 2 सेट और फिर 3 सेट पर आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको डंबल माथे की हाइट तक उठाना है। कोनी अंदर को बेंड करके रखनी है और जब हाथ ऊपर जाएं तो डंबल नाक की सीध में आना चाहिए। ध्यान रहे कि हाथ को नीचे लाकर थाइस पर नहीं टिकाना, रिलैक्स नहीं करना, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। 3 सेट करने हैं और हर सेट में दोनों हाथों के 12-12 रेपिटेशंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है। आपको शोल्डर की हाइट जितना ही ऊपर जाना है। इस एक्सरसाइज में भी हाथ को नीचे लाकर थाइस पर नहीं टिकाना, रिलैक्स नहीं करना, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। 3 सेट करने हैं और हर सेट में 12 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी आर्म्स 90 डिग्री पर रखनी है। अगर डंबल थोड़ा अंदर की तरफ रहे तो अच्छा है, पर बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। हाथ पूरा ऊपर नहीं ले जाना, कोनी में थोड़ा बेंड रहना चाहिए, इससे प्रेशर शोल्डर पे जाएगा और एक्सरसाइज का पूरा फायदा मिलेगा। ऊपर दोनों डंबल्स आपस में टच नहीं होने चाहिए, चीटिंग नहीं करनी। हाथों को नीचे लाते हुए भी ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं लाना, लगभग 90 डिग्रीज पर ही रहना है। 3 सेट करो और हर सेट में 12 रेपिटेशंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ हद तक तो पिछली एक्सरसाइज जैसी ही है, बस हाथ नीचे लाने के बाद चेस्ट के आगे ले आने हैं और डंबल आपकी चिन की हाइट पर होना चाहिए। नीचे की पोजीशन में दोनों कलाइयां, फोर आर्म्स और कोनियां एक दूसरे की सीध पर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बाहर को मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना फायदा नहीं मिलेगा। इसके 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज पिछली से पिछली एक्सरसाइज जैसी ही है, पर इसमें एक एक हाथ करके उठाना है। एक और डिफरेंस है इस एक्सरसाइज में कि जब हाथ ऊपर को जाए तो थोड़ा और अंदर की तरफ बेंड हो ताकि डंबल आपके नोज की सीध पर हो। याद रहे कि वापस ज्यादा नीचे को नहीं आना, जैसे हमने पहले समझा था। 12 रेपिटेशंस वाले 3 सेट करो। इन सब एक्सरसाइजेस में फेस और चिन सामने को रखने हैं, जोर लगने से नीचे को नहीं झुकने देना। कैसी लगी वीडियो बताना अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजें और फ्यूचर में आने वाली बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।